बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा अर्थवर्क का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने फेज वेडर फॉर्मूला मेथड को समझना है। इससे पहले हमने मीन डेप्थ मेथड और मीन एरिया मेथड को समझा है। आज हमारा ये लास्ट थर्ड इसका जो तरीका है उसको हम डिस्कस करेंगे। फेज वेडर फार्मूला मेथड जो है ये आमतौर पर ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम अर्थवर्क निकालते हैं तो जब ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है उस मेथड को मुख्तियार करते हैं। सिंगल सेक्शन से मुराद ये है कि हम सिंगल सेक्शन पे काम करेंगे तो उस वक्त इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क वी इज इक्वल टू एल बाई सिक्स एल, लेंथ ऑफ सेक्शन ए वन एरिया एट स्टार्ट या एरिया एट वन एंड ऑफ सेक्शन, ए टू एरिया एट अदर एंड ऑफ सेक्शन। जैसे देखिए दो एंड होते हैं सेक्शन के, इसमें दोनों एंड पे जो एरिया निकलेगा वो ए वन और ए टू होगा। ए एम, ए एम एरिया एट मिड सेक्शन, यानी इन दोनों एरिया का जो मिड सेक्शन पे एरिया होगा उसको हम ए एम कहते हैं। अब हम निकालते वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं उस वक्त हम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहली चीजें निकालते हैं उस वक्त इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास बहरास वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क आता है, यानी इस जगह पे कितनी मट्टी डालनी है या कितनी मट्टी हमने निकालनी है। एम्बैकमेंट किस्म में मट्टी को डाला जाता है जबकि कटी किस्म में मट्टी को निकाला जाता है। एज पर ड्राइंग एन एस आर फॉर्मेशन लेवल से इसको फाइंड करते हैं। अब जब हमारा सेक्शन बहुत ज्यादा लेंथी होता है, रोड लेंथी सेक्शन में होता है या मुतद सेक्शन में होता है, मैनी सेक्शन पे होता है, तो उसको हम इस फॉर्मूला से हट के टेबल मेथड पे लाते हैं। टेबल मेथड में क्या होता है कि हमने इस तमाम डाटा को इस टेबल में उतारना होता है। देखिए आर डी ड्यू डिस्टेंस डेप्थ, जैसे पहले बात हो चुकी है कटिंग और फिलिंग और डेप्थ, एन एस एन फॉर्मेशन लेवल की मदद से हम निकालते हैं। उसके बाद डी एम मीन डेप्थ, जैसे पहले बता चुके हैं डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई टू मीन डेप्थ तक निकलेगी जब दो सेक्शन हमारे पास आ जाएंगे आर डी वन आर डी टू आर डी थ्री। इस तरीके से जब हमारे पास सेक्शन बढ़ते जाएंगे तब हम मीन डेप्थ निकाल सकेंगे। आगे बी डी यानी एरिया D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर, देयर सेक्शन जब बढ़ेंगे तो एक सेक्शन से आगे जब जाएंगे D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। आगे इसका जो है ये दोनों को प्लस करना है D1 plus D2 plus D1 into D2, यानी दोनों कॉलम को हमने यहाँ पे जमा कर दिया। नेक्स्ट ये है कि स्लोप के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। एस डी स्क्वायर पे जब करते थे यहाँ पर चुके जो है मेन सेक्शन हो गए तो इसको हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कॉलम को डिवाइड बाय थ्री करेंगे। टोटल से बाद ये टोटल एरिया यहां से लेकर जितने एरिया वाले जमा हुए सबको यहाँ प्लस करके लिखेंगे। टोटल ऑफ कॉलम फोर टू नाइन यहाँ प्लस कर देंगे सारे, ये हमारे पास आएगा कंप्लीट एरिया। देन हम क्या करेंगे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि दो आरडीज के दरमियान डिफरेंस है जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड, अब इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हंड्रेड का आ रहा है, सम केसेस में ये कम हो जाता है तो वहां पर इसको हम लिख देंगे लेंथ को। और इस कॉलम पे जो एरिया आया होगा हमारा उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगी सी एफ टी में या किलोमीटर में। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस मेथड के अंदर हमें जो है थोड़ी सी एहतियात करनी होती है बाकी मेथड की, जिसमें कि ये डी वन और डी टू है शुरू के होंगे जब स्टार्ट में होगा डी वन डी टू होगा, लेकिन जब नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो डी टू और डी थ्री और डी थ्री हो जाएगा, उससे अगले आर डी में डी थ्री और डी फोर हो जाएगा, उससे अगले आर डी में डी फोर और डी फाइव हो जाएगा। कंजक्टिव आर डी को हमें लेके चलना होता है एक दूसरे के बाद आर डी को हमें यहाँ पर लाना होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है जहाँ पर हम एरिया निकाल रहे थे पीछे वाले सेक्शन का, यहाँ भी ऐसे ही करना है कंजक्टिव आर डी को लेकर चलना एक दूसरे के बाद आने वाले डेप्थ को हमने यहाँ अडॉप्ट करना। ये सैंपल के तौर पर दिया गया है जिसको कहते आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आपने ये ख्याल करना होता है कि जो हमारा डाटा दिया गया होता है उस डाटे के लिहाज से इनपुट करते हैं वैल्यूज तब हमारे पास इसका सही वॉल्यूम आता है। तो ये हमारा जो था ये बेटर फॉर्मूले का